नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने गुरुवार 30 मई को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में करीब 8,000 से ज्यादा देशी विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में मोदी जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 6 दर्जन से अधिक देशों के राजदूत व उच्चायुक्त और देश भर के कई बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे व कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। लेकिन साल 2014 की तरह ही इस बार भी नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को शपथ ग्रहण समारोह का न्योता नहीं दिया। मोदी जी की मां हीराबेन मोदी ने अपने बेटे के शपथ ग्रहण समारोह को दिल्ली से दूर गांधीनगर के स्थित अपने घर पर टेलीविजन में देखा। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, मां हीराबेन खुश होकर तालियां बजाने लगी और यह दृश्य काफी भावुक कर देने वाला था। तो आखिर क्या वजह है कि मोदी जी ने दूसरी बार भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह से अपने परिवार को दूर रखा? दरअसल मोदी जी हमेशा से ही पर्यावरणवाद के खिलाफ रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस पर पर्यावरणवाद को लेकर कई तीखे हमले किए थे। कई मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता के सामने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्या वजह रही है जिसके चलते एक ही परिवार ने लंबे समय तक देश पर शासन किया। परिवारवाद पर खुद पीएम मोदी क्या रोक रखते हैं, इसे हम उनके शपथ ग्रहण समारोह को देखकर समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश और दुनिया के करीब 8,000 दिग्गजों को आमंत्रित किया गया, मगर उनके खुद के परिवार को इस इवेंट से दूर ही रखा गया। मोदी जी का परिवार इस भावना का सम्मान करता है। जब मोदी जी की बहन वसंती बेन से इस समारोह में न्योता नहीं मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुश होते हुए कहा, उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में बड़ा परिवार है। सबसे बड़े भाई सोमनाथ मोदी वड़नगर में वृद्धाश्रम चलाते हैं। उनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी अहमदाबाद के घाटलोदिया में एक निजी कंपनी में फीटर के पद से रिटायर हुए हैं। छोटे भाई पंकज मोदी गुजरात सूचना विभाग में अफसर है, जो माँ हीरा बेन के साथ अपने 3 कमरे के छोटे से मकान में रहते हैं। एवं सबसे छोटे भाई प्रहलाद मोदी गल्ले की दुकान चलाते हैं और एक छोटी बहन वसंती बेन है जो हर रक्षा बंधन पर उन्हें राखी बांधती है। मोदी जी हमेशा से ही अपने परिवार की राजनीति के चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं। उन्हें अपने भाइयों के बेटे बेटियों से बेहद लगाव भी है। गौरतलब है कि लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के पश्चात और शपथ लेने से पहले 26 मई को जब मोदी जी गुजरात गए थे, तब माँ हीराबाग का आशीर्वाद लेने वो अपने छोटे भाई पंकज मोदी के गांधीनगर स्थित आवास पर गए थे। मोदी जी 23 अप्रैल को गुजरात में मतदान से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने गए थे। अपने किसी सरकारी दौरे के दौरान गुजरात आने पर मोदी जी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने एवं परिवार से मिलने घर चले जाया करते हैं। मोदी जी ने अक्षय कुमार के साथ हुए इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अब अपने परिवार की भावना से बहुत आगे निकल चुके हैं। गुजरात में करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहते और पिछले 5 साल तक पीएम रहते हुए अपने सरकारी आवास पर वह अकेले ही रहे हैं। उन्होंने सरकारी आयोजनों से अपने परिवार के सदस्यों को हमेशा दूर ही रखा है। वह अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। और भी ताजातरीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए गजब खबरों के साथ।